गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मायसेल्फ जनसारी किशोर। टुडे आई विल टीच इन स्टैंडर्ड 9 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, चैप्टर नंबर 13। द नेम ऑफ द चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इन द लास्ट एक्सरसाइज आई हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज नंबर 13.2। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अहेड। द फॉर्मूलाज कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRh, r मीन्स रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड h मीन्स हाइट ऑफ द सिलेंडर। सो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2πRh। नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर πdh, 2r की जगह क्या कर दिया, d यानी डायमीटर। हियर d मीन्स डायमीटर एंड सिलेंडर 2r, ओके। इन शॉर्ट डायमीटर का मीनिंग क्या होता है, 2r। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में क्या होता है, तो कर्व सरफेस एरिया और मल्टीप्लाई हाइट। तो कर्व सरफेस सॉरी सर्कमफेरेंस ऑफ बेस, सर्कमफेरेंस ऑफ बेस यानी क्या होता है, 2πr, और हाइट का मीनिंग होता है h। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो 2πr ब्रैकेट में r और h। पाई इज अ इरेशनल नंबर, सो इट्स अ डेसिमल, सो इट्स अ डेसिमल एक्सप्रेशन इज नॉन टर्मिनल, नॉन रिकरिंग, बट फॉर कैलकुलेशन पर्पज वी विल यूज इट्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 और 3.14। नाउ सी द एक्सरसाइज नंबर 13.2, जहाँ पर हमें एज्यूम करना है पाई की वैल्यू 22/7, जहाँ पर बोला गया है कि पाई की वैल्यू 3.14 लो, तो वहाँ पर हमें पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। नाउ सी द फर्स्ट वन, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उसका हमें कर्व सरफेस एरिया ओके फाइंड आउट करना है, जिसकी हाइट 14 है और उसका कर्व सरफेस एरिया दिया है 88 cm². ओके, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसका डायमीटर। तो पहले हम रेडियस फाइंड आउट कर सकेंगे और रेडियस का डबल कर देंगे तो डायमीटर आ जाएगा। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर h यानी 14, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर यानी 2πr, कर्व सरफेस एरिया का 88 दिया है, 88 cm² मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r मल्टीप्लाई 14। ओके, तो r की वैल्यू आप सोल्व करेंगे तो r की वैल्यू मिलेगी 1। नाउ डायमीटर ऑफ द सिलेंडर मीन्स 2r, तो 2 × 1 दैट मीन्स आंसर क्या हो गया, 2। सो थस द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 2 cm। नाउ सी द सेकेंड वन, इट इज़ अ रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोजर सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 m एंड बेस डायमीटर 140 cm फॉर द मेटल सीट। हाउ मेनी स्क्वेयर मीटर्स ऑफ द सीट्स आर रिक्वायर्ड फॉर सेम, तो कर्व सरफेस एरिया ओके। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, एक क्लोज यानी बंद सिलेंड्रिकल टैंक बनानी है, ऊपर और नीचे से क्लोज, यानी उसको टोटल सरफेस एरिया आएगा ओके। उसकी हाइट कितनी है, 1 m है, डायमीटर कितना है, 140 cm है ओके, फॉर द मेटल सीट। तो हाउ मेनी स्क्वेयर मीटर्स ऑफ सीट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम, तो उसके लिए कितनी सीट चाहिए। तो सबसे पहले हाइट ऑफ द सिलेंडर h यानी 1, डायमीटर यानी 1 cm में दिया है ओके, तो 140 cm है। तो रेडियस ऑफ द सिलेंडर, तो डायमीटर डिवाइड 2, तो डायमीटर 140 है, डिवाइड 2 करोगे तो क्या होगा, 70 cm। उसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 0.7 m, क्योंकि यहाँ पर आंसर क्या बोला है, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर, मीटर्स में आंसर लेना है, तो 0.7 m हो गया। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्लोज सिलेंडर, तो क्लोज सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, 2πr ब्रैकेट में r प्लस h, तो 2 की जगह 2, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 0.7, ब्रैकेट में r यानी 0.7 और h है 1। उसका सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 7.48 m² ओके। थस 7.48 m² सीट इज रिक्वायर्ड टू मेक द क्लोज सिलेंडर टैंक। अभी ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। नाउ सी द मेटल पाइप, एक मेटल पाइप है, इज 77 cm लॉन्ग है। द इनर डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज 4 cm, द आउटर डायमीटर बीइंग 4.4 cm, सी
द गिवन फिगर फाइंड इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया और टोटल कर्व सरफेस एरिया। तो हमें पहले तो इनर, एक सिलेंडर है जिसका इनर के इनर डायमीटर 4 है, तो इनर सिलेंडर तो रेडियस r यानी 4/2 यानी 2 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 77 सेंटीमीटर, इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पाइप तो 2πRH तो मिला 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। थस द इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ आउटर, आउटर का डायमीटर कितना है 4.4 सेंटीमीटर, तो उसका रेडियस कितना होगा 2.2 सेंटीमीटर, उसका हाफ। ओके, नाउ एच है 77, ये तो फिक्स है। नाउ आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पाइप तो उसका 2πRH, आर यानी कैपिटल लिया है क्योंकि ये सेकंड, इसलिए तो उसका आंसर आता है 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। थस द आउटर सरफेस एरिया इज 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ टोटल सरफेस एरिया इंक्लूडिंग द एरिया ऑफ द टू सर्कुलर रिंग्स एट द एंड टूगेदर विद द इनर एंड आउटर, तो दोनों का प्लस करेंगे तो इन ईच सर्क्यूलर रिंग आउटर रेडियस आर इज इक्वल टू 2.2 एंड इनर 2 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ द वन सर्कुलर रिंग पाई ब्रैकेट में आर स्क्वायर यानी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो 22/7 2.2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो 22/7 4.84 माइनस 4 सेंटीमीटर, तो 22/7 मल्टीप्लाई 0.84 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द टू सर्कुलर रिंग 2 मल्टीप्लाई 2.64 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द पाइप, इनर कर्व सर्फेस एरिया प्लस आउटर कर्व सर्फेस एरिया और एरिया ऑफ द टू सर्कुलर रिंग्स। ओके, तो 968 प्लस 1064 और प्लस 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हो गया 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, नाउ सी द थर्ड वन। द डायमीटर ऑफ द रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन टू मूव वन ओवर टू लेवल अ प्लेग्राउंड। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन अ मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये मीटर में दिया है, तो यहाँ पर हमारा सेंटीमीटर में। तो पहले देखें, फॉर द सिलेंडर रोलर डायमीटर कितना है 84, हाइट कितनी है एच यानी 120 सेंटीमीटर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर रोलर तो पाई डी एच यानी 22/7 मल्टीप्लाई 84 मल्टीप्लाई 120 तो 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिए, 10,000 से डिवाइड करेंगे तो 3.168 मीटर स्क्वायर। थस द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड लेवल इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ द एरिया इज 3.168 मीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड रोल्ड इन 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ द रोलर तो 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल जो है इसका एरिया है 1,584 मीटर स्क्वायर। थस द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इज 1,584 मीटर स्क्वायर। नाउ सी द नेक्स्ट वन। अ सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 3.5 मीटर इन अ हाइट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिलर एट द रेट ऑफ 12.50 पर मीटर स्क्वायर। तो फॉर द सिलेंड्रिकल पिलर डायमीटर डी इज 50 सेंटीमीटर यानी 0.5 मीटर, ओके, और हाइट एच यानी 3.5 मीटर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल पिलर पाई डी एच यानी 22/7 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 3.5 मीटर स्क्वायर, तो आंसर आया 5.5 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर का एरिया का जो कॉस्ट है 12.50 रुपीज़ है, तो टोटल हमारे 5.5 मीटर स्क्वायर एरिया है तो उसको 12.50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 68.75। थस द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सर्विस एरिया द पिलर इज 68.75 रुपीज़। ओके मैं, तो इस तरह से बाकी जो सम है वो आपको करने हैं। अभी यहाँ पर ये जो है आपका जो एक्सरसाइज है ये 13.2 टोटल, उसमें सम 11 है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द थर्ड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 13.3। ओके, उसमें कौन के बारे में उसके फॉर्मूला देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन
जिसकी वैल्यू है पाई आर एल। टोटल कर्व और टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वेयर, यानी पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ओके, अभी इसमें लेना क्या है, तो एल स्क्वेयर इज इक्वल, यानी स्लेंट हाइट, एल इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर, ये हमें क्या करना है, लेना है। नाउ सी द एक्सरसाइज नंबर 13.3। तो एज्यूम करना है पाई की वैल्यू 22/7 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लेंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। तो फॉर द गिवन कोन डायमीटर यानी डी 10.5 सेंटीमीटर, द रेडियस उसका हाफ हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू 10.5 / 2, तो कितना हो गया, तो हाफ हो जाएगा यानी 5.250। ओके, एल कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द एल, तो पाई आर एल, तो 22/7, पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू 10.5/2 और एल की वैल्यू 10। ओके, यहाँ पॉइंट निकल जाएगा तो ये 10 निकल जाएगा। ओके, यानी 22/7 मल्टीप्लाई 105/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 165 सेंटीमीटर स्क्वेयर। थस द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द गिवन कोन इज 165 सेंटीमीटर स्क्वेयर। नाउ सी द नेक्स्ट वन, तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इफ़ इट्स लेंथ हाइट इज 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 24 मीटर। नाउ फाइंड द गिवन कोन, डायमीटर 24 है, द रेडियस 24/2 यानी 12 मीटर एंड स्लेंट हाइट एल कितना है 21। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 12, ब्रैकेट में एल यानी 21, आर यानी 12। वैल्यू लिख दो, अभी उसका सॉल्यूशन करो, तो उसका सॉल्यूशन करोगे तो आपको आएगा 8712/7 मीटर स्क्वेयर यानी 1244.57 मीटर स्क्वेयर। ओके, सो थस द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गिवन कोन इज 1244.57 मीटर स्क्वेयर। नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वेयर एंड स्लेंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड रेडियस ऑफ द बेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। फॉर द गिवन कोन स्लेंट हाइट एल इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड कर्व सरफेस एरिया 308 सेंटीमीटर स्क्वेयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन पाई आर एल 308 सेंटीमीटर स्क्वेयर इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई 14 सेंटीमीटर। 308 × 7 / 22 × 14 सेंटीमीटर यानी आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। Thus the radius of the base of the cone is 7 cm. Total surface area of the cone, to pi r l plus pi r square, to 308 + 22/7 × 7 × 7 cut ho jayega, uska solution karega to 462 cm². Thus the total surface area of the cone is 462 cm². नाउ सी द नेक्स्ट वन, अ कॉनिकल टेंट, एक कॉनिकल टेंट उसका 10 मीटर हाइट है, रेडियस कितना है बेस का 24 है। फाइंड क्या फाइंड करना है, स्लेंट हाइट, ओके, एंड कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर टू मेक द टेंट यानी कर्व सरफेस एरिया एंड कॉस्ट 1 मीटर स्क्वेयर = 20, तो कितना चाहिए। तो फॉर द कॉनिकल टेंट आर इज इक्वल टू 24, हाइट 10, एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, 10² + 24² 100 + 574 6 यानी 676 यानी उसकी वैल्यू होती है एल इज इक्वल टू 26 मीटर। सो थस द स्लेंट हाइट ऑफ द टेंट इज 26 मीटर। नाउ एरिया ऑफ द कैनवास यूज टू मेक टेंट, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉनिकल टेंट पाई आर एल 22/7 × 24 × 26, उसका सॉल्यूशन करेंगे तो आएगा 13728/7। अभी कॉस्ट ऑफ द 1 मीटर स्क्वेयर कैनवास का है 70 रुपीज़, तो कॉस्ट ऑफ 13728/7 मीटर स्क्वेयर का कितना होगा, तो 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 77 कट हो जाएगा और एक जीरो लग जाएगा। तो टोटल द रिक्वायर्ड कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायरमेंट इज 1,37,280 रुपीज़ होगी। नाउ सी द नेक्स्ट वन, कि व्हाट लेंथ ऑफ द टर्पेलियन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट ऑफ द हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। एज्यूम दैट
द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ द मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज इन अ कटिंग इज अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर. पाई इज इक्वल कितना लेना है, 3.14 बोला है. फॉर द कॉनिकल टेंट ऑफ द मेड टू बी मेड रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर, हाइट है 8 सेंटीमीटर. तो पहले एल चाहिए, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. तो 8² + 6² 64 और 36 यानी 100. तो एल की वैल्यू हो गई 10. नाउ एरिया ऑफ द टर्पेलिन यूज इन मेकिंग टेंट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉनिकल टेंट. तो पाई आर एल, पाई की वैल्यू 3.14, आर यानी 6, एल यानी 10, उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 188.4 meters square. नाउ द विड्थ ऑफ द टर्पेलिन इज 3 meter, लेंथ ऑफ द टर्पेलिन रिक्वायर 188.4 / 3 meter. ओके, उसको डिवीजन लिया तो 62.8 meter. बट 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 meter इस टर्पेलिन इज रिक्वायर्ड मोर फॉर मार्जिन एंड वेस्टेजेस. तो अगर उसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा टोटल लेंथ ऑफ द टर्पेलिन रिक्वायर 62.8 + 0.2 meter यानी 63 meter. थस द टोटल लेंथ ऑफ अ टर्पेलिन रिक्वायर्ड इज 63 meter. ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से नेक्स्ट हमें करा देता हूँ 6 वाला टोटल. यहाँ पर 8 सम से, तो 8 में से 6 कराता हूँ. द स्लेंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ द कॉनिकल टॉम आर 25 meter एंड 14 meter रिस्पेक्टिवली. ओके, तो कॉनिकल टॉम है, उसकी हाइट और डायमीटर दे दिया है. फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग. अब इसको वाइट वॉशिंग करना है, कर्व सरफेस एरिया ही फाइंड आउट करना पड़ेगा. सरफेस एट द रेट ऑफ 210 per 100 meter square यानी आंसर में मीटर में लाना है. फॉर द गिवन कॉनिकल टॉम रेडियस आर यानी डायमीटर डिवाइड टू 14/2 तो 7, स्लेंट हाइट 25 है. तो एरिया ऑफ द रीजन टू बी वाइट वॉश्ड कर्व सर्विस एरिया ऑफ द कॉनिकल टॉम पाई आर एल 22/7 × 7 × 25 कट हो जाएंगे तो 550 meter square. नाउ कॉस्ट ऑफ द वाइट वॉशिंग 100 meter square जो रीजन है उसका प्राइस है 210. तो 550 meter square का रीजन का कितना प्राइस होगा, तो उसका हो गया 1155 यानी 1155. थस द कॉस्ट ऑफ द वाइट वॉशिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टॉम इज 1155 रुपीज़. ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो आपका चैप्टर नंबर 13 है, चैप्टर नंबर 13 में आपकी दो एक्सरसाइज मैंने ये वीडियो में कवर की, एक 13.2 और दूसरी एक्सरसाइज 13.3. अभी आगे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा. ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली.